अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम चौधरी और आज आपसे एक बहुत प्यारी बात शेयर करने आई हूँ। याद रखें, माफ़ और दरगुजर करने वाले लोग बेवकूफ़ नहीं होते। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एहसान करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे बिन मांगे सब कुछ अता कर देता है। इसीलिए अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मैंने तो सच्चे दिल से सबको माफ़ किया और सबसे माफ़ी भी मांगी। इसीलिए इस रमज़ान आप भी सबसे माफ़ी मांगें और सबको माफ़ कर दें, सुकून में आ जाएं, अल्लाह की मोहब्बत पा लें और कोशिश ना करें, हिम्मत करें। क्या आप में है इतनी हिम्मत कि आप माफ़ कर सकें? रमज़ान के इस मुबारक महीने में अल्लाह की रज़ा के लिए सितारा यासीन और बाकी जिन लोगों से आप नफरत करते हैं, क्या आप बोल सकते हैं कि आज हम सब रमज़ान में अल्लाह की रज़ा के लिए उनको माफ़ करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसी हिम्मत कर सकते हैं? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए रमज़ान के इस मुबारक महीने में सारी चीज़ें दिल से निकाल लें, लोगों के लिए जो आपके अंदर नफरतें हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी ब्लॉगर तारा यासिन के लिए रमज़ान के इस मुबारक महीने में आप कीचड़ उछाड़ने पर लगे हुए हैं, आप माफ़ क्यों नहीं कर देते? आप उनके माजी को क्यों नहीं भूल जाते? क्यों उनकी माजी को उठा के आप उनको परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाड़ रहे हैं? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? हम मुसलमान हैं, रमज़ान के इस महीने में अल्लाह ताला जो है